हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्विंग द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2020 ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड पेपर एडवांस अकाउंटेंसी यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। मिशन आपको गिवन है कि एक हेड ऑफिस है, वो अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या बनाने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो ओपनिंग स्टॉक है अजमेर ब्रांच पे वो कितना है, 20,000। कौन से प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। ब्रांच को जो सेंड किया गया है वो कितना है, 45,000। ऑन 31st मार्च 2019 को क्या हुआ है, कैश सेल्स जो है ब्रांच की वो है 24,000 और क्रेडिट सेल्स है हमारी 27,500। गुड्स इनवॉइस्ड 600 क्या हो गए हैं, वापस हेड ऑफिस को भेज दिए, और 500 के गुड्स क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। क्रेडिट कस्टमर्स आल्सो रिटर्न, कस्टमर्स को जो हमने सेल्स किया था वो भी रिटर्न, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न हो गई है ब्रांच की, दैट इज 900। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द लेजर ऑफ द हेड ऑफिस अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड डेटर्स मैथड। द गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच बाय द एडिंग। हाँ, आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है, हेड ऑफिस और ब्रांच, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारी क्या होती है, लोडिंग कॉस्ट होती है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बट जो ब्रांच अकाउंट्स हैं उसमें हम इस प्रॉफिट को क्या मानते हैं, लोडिंग कॉस्ट मानते हैं। तो ये हो गई हमारी लोडिंग कॉस्ट। फाइन, यहां हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस का 25% है। देखिए, सेलिंग प्राइस है आपकी 100, ठीक है, और 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपीज, वो हो गया आपका प्रॉफिट या लोडिंग कॉस्ट, दैट इज 25। ठीक है, अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, इसको इसमें से लेस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 75। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 25 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, दैट इज 33.33%। ये तो प्रॉफिट हो गया आपका कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे हो गया हमारा 25%। फाइन, इनवॉइस प्राइस क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस होती है। हेड ऑफिस की बुक्स में हमें कौन कौन से अकाउंट्स खोलने होंगे, फर्स्ट खोलना होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेकंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ये सारे अकाउंट हम इसमें ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये है हमारा डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि 1st अप्रैल 2018 को देयर वाज अ ओपनिंग स्टॉक एट अजमेर ब्रांच है ₹20,000 इनवॉइस प्राइस पे। आपको ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, 20,000। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। किस पे बनेगा, इनवॉइस प्राइस पे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस पे। तो फर्स्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है आपको ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 45,000 वर सेंड टू ब्रांच, दैट मींस आपने ब्रांच को क्या किया है, गुड्स सेंड किया है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ आ जाएगा, आपके डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि आपके गुड्स जा रहे हैं, वो है आपका 45,000 का। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। फाइन, अब आपको क्या निकालना है, इसकी इनवॉइस प्राइस निकालनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपकी इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। तो 45,000 का क्या निकालेंगे, 33.33%,
प्रोजेक्ट हो गया हमारा 15,000, 15,000 को हम ऐड करेंगे 45,000 में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60,000. दिस इज अवर इनवॉइस प्राइस. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ एंट्री क्या हुई हमारी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. अब ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी इसकी एंट्री होगी, हैंड टू हैंड हम उसको भी देख रहे हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ तो डेबिट में हुई है, यहाँ क्रेडिट में हो जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट. कितने से हो जाएगी आपकी एंट्री? 60,000 से. यहाँ देखिए यहाँ पे भी 60,000 से हो गई है. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज ऑन 31st March 2019 द ब्रांच रिपोर्टेड दैट कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज 24,000. कैश सेल्स कितनी हुई है हमारी? 24,000. उसकी एंट्री हमने क्या कर दी? बाय बैंक अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स भी आपको गिवन है, डैट इज 27,500 बाय ब्रांच डेटर्स. तो ब्रांच डेटर्स में आपकी क्या है? 27,500. ये हमारी क्या है? इनवॉइस प्राइस ही है, क्योंकि सारी सेल्स हमारी किस पे होगी? सेलिंग प्राइस पे होगी. तो ये तो होगा हमारी कैश सेल्स की एंट्री. नेक्स्ट हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डैट इज गुड्स इनवॉइस्ड एट रुपीज 600 वर रिटर्न टू हेड ऑफिस. 600 रुपीज की जिसकी इनवॉइस प्राइस है, उन गुड्स को हेड ऑफिस में दोबारा भेज दिया है. गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री हमने यहाँ की थी, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस या बाय ब्रांच, उसकी एंट्री आपकी किधर हो जाएगी? क्रेडिट साइड में हो जाएगी. मार्च 31st को इसकी एंट्री है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, डैट इज 600 रुपीज. अब सेम एंट्री इधर भी होगी, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है आपका? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. मार्च 31st पे क्या एंट्री हो जाएगी? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डैट इज 600 रुपीज से रिटर्न टू हेड ऑफिस. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, दोज इनवॉइस्ड एट रुपीज 500 वर लॉस्ट इन ट्रांजिट. मतलब कि आपके गुड्स जो कि 500 इनवॉइस के थे, वो भी क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं ट्रांजिट में. देखिए 500 के आपके गुड्स थे, ये इसकी क्या है? इनवॉइस प्राइस है. प्रॉफिट कितना था? तो इसका कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि सेलिंग प्राइस का तो क्या है? 25% है, और कॉस्ट प्राइस का क्या है? 33.33% है. हम इसका 25% निकालेंगे, डैट इज 125. ये तो हो गया आपका प्रॉफिट या लोडिंग कॉस्ट. इधर देखिए हमने यहाँ पे दो एंट्री की है, फर्स्ट लोडिंग की है, सेकंड की है कॉस्ट की. जो लोडिंग का एडजस्टमेंट आपको किस में करना है? लोडिंग, दैट मींस प्रॉफिट. आपको ये पता है इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके प्रॉफिट की एंट्री कहाँ जाती है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाती है, जिसमें कि हम ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं. तो ये जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट का, वो कहाँ जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा. तो यहाँ लिख दिया आपने, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट गुड्स लॉस्ट लोडिंग कितने का हो गया? 125 रुपीज का, डैट इज अ प्रॉफिट. नेक्स्ट है, अब कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500 माइनस 125, डैट इज 375 रुपीज. ये हो गया आपका एक्चुअल लॉस, जो कि आपके एक्चुअल गुड्स आपने खोए हैं, वो किस में आ जाएगा? आपका ब्रांच पीएनडल अकाउंट में, क्योंकि आप अपने लॉस्ट की एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? पीएनडल अकाउंट में करते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी कितना आ गया? 375 आ गया. तो इधर आपको सारी कैलकुलेशन क्लियर है. यहाँ आपकी आ गई है 20,000, ये एंट्री हो गई आपकी गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेट इज 60,000. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि जो द क्रेडिट कस्टमर्स ऑल्सो रिटर्न गुड्स सेंड टू देम फॉर रुपीज 900. दैट मीन्स कि आपने जिनको माल बेचा, उन ग्राहकों ने भी आपको माल वापस लौटाया है. तो आपने यहाँ बेचा, उसकी एंट्री इधर की है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ होगी? यहाँ होगी, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट. ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स वालों ने ही आपको लौटाया है, तो
तो इधर क्या आ गया आपका सेल्स रिटर्न कितने का अमाउंट है 900 का, डेट इज योर इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ देखिए आपने सारी एंट्री हमने किस पे की है, इनवॉइस प्राइस पे की है। अगर इन दोनों को भी ऐड कर दे तो ये क्या आ जाता है हमारा 500। वैसे भी आप एंट्री कर सकते हैं, वो भी हमारी इनवॉइस प्राइस की ही एंट्री है। इन सब का टोटल कर लीजिए आप इसका, डेट इज 80900 माइनस इन सब का आपने टोटल कर लिया और बैलेंसिंग फिगर में आपका ये फिगर आ गया। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका रेडी है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि हमारा किस पे बनता है, लोडिंग प्राइस पे। ये क्यों बनाते हैं, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अब आप देखिए इसमें और जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हमने अभी फर्स्ट बनाया था, इन दोनों में पूरी सिमिलैरिटी है। सिर्फ इसमें कौन से ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, सेल्स और सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। ये देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट के सारे आइटम किस में आएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएंगे। बट ये जो हमारा सेल्स रिटर्न और सेल्स की एंट्री है, ये दोनों एंट्रीज नहीं आएगी। उसके अलावा सारी एंट्रीज आपको कहाँ लिखनी है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये हमेशा ध्यान रखना है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट देखिए उसमें क्या था, ओपनिंग स्टॉक जो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, हमारा ओपनिंग स्टॉक देखिए इधर ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 20,000 का। ये है आपकी इनवॉइस प्राइस। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दैट मींस ये किस पे बनेगा, लोडिंग प्राइस पे बनेगा हमेशा। आप इनवॉइस प्राइस इतनी है आपकी, तो इसमें आपको क्या निकालना है, लोडिंग प्राइस निकालनी है। तो इसका 25% कितना हो गया 5,000। तो ओपनिंग स्टॉक में जो हमारे लोडिंग कॉस्ट थी या प्रॉफिट था वो कितना था 5,000 का। ये एंट्री हो गई गुड सेंड टू ब्रांच। क्वेश्चन में आपको गिवन था 45,000 जो उसकी कॉस्टिंग थी, उस कॉस्टिंग का आपने क्या निकाला था 33.33%, वो क्या था उसकी लोडिंग कॉस्ट। फाइन, लोडिंग कॉस्ट में से अब आपको क्या लेस करना है, जो गुड्स वापस हेड ऑफिस आई है उसकी लोडिंग कॉस्ट। गुड्स इनवॉइस एट 600 rupees वर रिटर्न टू हेड ऑफिस। 600 की आपकी क्या है, गुड्स वापस रिटर्न आई है हेड ऑफिस में, ठीक है। तो ये 600 की है, 600 का कितना परसेंट, 25% आपकी लोडिंग कॉस्ट होती है, वो क्या हो गया 150 rupees। तो ये 150 rupees आप इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 14,850। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में आपने तीन आइटम्स लिखे थे। फर्स्ट लिखा था ओपनिंग स्टॉक का जिसका हमारी हो गई है लोडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आपने लिखा था बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच उसकी भी लोडिंग कॉस्ट। थर्ड क्या था, सेल्स रिटर्न की एंट्री थी आपकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, सेल्स रिटर्न की एंट्री इस अकाउंट में नहीं आएगी। फाइन, तो डेबिट साइड क्लियर है। नेक्स्ट है अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड था वो उसका डेबिट साइड बन चुका है। उसमें फर्स्ट एंट्री की थी हमने कैश सेल्स की और क्रेडिट सेल्स की, दोनों एंट्री यहाँ नहीं आएंगी। नेक्स्ट एंट्री हमने की थी बाय गुड सेंड टू हेड ऑफिस, तो गुड सेंड टू हेड ऑफिस का एडजस्टमेंट हमने यहीं कर दिया है एक साथ, ठीक है। 500 इनवॉइस के क्या थे, गुड्स थे जो कि खो चुके हैं, तो अब उसकी लोडिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 500 आपकी इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस का तो 25% ही है, वो है हमारा 125। हमने क्रेडिट साइड में दो एंट्री की थी इस 500 अमाउंट की, एक की थी 125 से और एक की थी 375 से, तो 125 की एंट्री यहाँ हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखिए कितना है हमारा 28,300, वो क्या है उसकी इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस का कितना है लोडिंग कॉस्ट, दैट इज 25%। तो 28,300 का 25% आप निकालेंगे तो क्या आ गया आपका 7,075, ठीक है।
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने इसका टोटल किया, इसका टोटल कितना आ रहा है 19,850। अब हम इसका टोटल करेंगे इनका, तो ये आ रहा है हमारा 0027 7200। अब इसमें से 7200 को आप लेस कर देंगे 0562112650, आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको किस में ट्रांसफर करना है आपको, ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो मेन आपके दो अकाउंट है वो आपको समझ आ गए हैं, फर्स्ट है आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेकंड है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों अकाउंट सिमिलर है, बस इसमें हमारी सेल्स की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं होती है। वो जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वो बनता है हमारा इनवॉइस प्राइस पे और ये बनता है हमारी लोडिंग कॉस्ट पे। कि ब्रांच स्टॉक रिजर्व के 1 और 2 दो एंट्री आपकी किससे गई है, आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में गई है। तो ये क्या एंट्री है आपकी, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट 5000 से। नेक्स्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये है आपकी 7075 से। इस एंट्री को हम कहाँ देख रहे हैं, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हमने देख ही लिया था, ये क्या था हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो 20,000 का 25% दैट इज 5,000, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसकी लोडिंग कॉस्ट कितनी है 5000, वो जो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था अभी देखा, 5000 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है, अब आपने क्या एंट्री की थी, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक की, ये किसकी है आपकी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किससे है, लोडिंग कॉस्ट से है। लोडिंग कॉस्ट कितनी है इसकी 7075। अब इसका आपने टोटल किया 12,075, इसमें से 5,000 लेस कर दिया तो आपका बैलेंस कितना आ गया है ब्रांच स्टॉक रिजर्व का, डैट इज 7,075। नेक्स्ट है हमारा गुड सेंड टू ब्रांच, दो एंट्री हमने किससे कर ली थी, इस अकाउंट से कर ली थी। नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री आपने देखा था उसके क्रेडिट साइड में हमने की थी 14,850 से। तो 14,850 कैसे आए था, इसमें आपने जो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो और गुड्स रिटर्न हुए हैं दोनों की लोडिंग कॉस्ट का एडजस्टमेंट कर दिया था, तो क्या आ गया ये हमारा 14,850। ये है आपका 60,000 स्टॉक है। नेक्स्ट है ये है रिटर्न टू हेड ऑफिस और ये हो गया आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब इनका जब हम टोटल कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है, टोटल ब्रांच ने कितनी ट्रेडिंग की है, कितनी परचेजेस की है। तो 60,000 माइनस इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, क्या आ रहा है आपका 15,450, इसको लेस करेंगे वैल्यू आ गई 44,500। हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कर चुके हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट में आ जाएगा। ब्रांच P&L अकाउंट में ये देखिए 12,650 इधर आपका ये क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको पता है जो हमारे P&L अकाउंट है उसमें अब क्या करते हैं, पूरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 375 से, जो हमारे गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं उसकी। तो यहाँ पे ये आ गई इसकी एंट्री। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाए, तो अब क्या करेंगे हम इसका बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर में हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 12,275, डेट इज़ आर जनरल P&L अकाउंट। फाइन, ये क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन में आपको सारे अकाउंट मेंटेन करने हैं, ध्यान क्या रखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज किस पे बनता है, इनवॉइस प्राइस पे बनता है। इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब है,
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो किस पे बनता है? लोडिंग कॉस्ट पे, डैट मींस प्रॉफिट पे। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, दिस इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन।